अस्सलाम वालेकुम माई फ्रेंड एंड व्यूवर, आज मैं मच्छी बना रही हूँ दोबारा फ़िश, तो देखें कैसे बना रही हूँ। आज मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी लगा रही हूँ, रेड मिर्ची भी है और ये फ़िश मसाला भी है। और फ्रेंड ये मैंने लेमन भी लिए हैं और ये बेसन भी है, बेसन मैंने इसमें वो ही पीसा है, गरम मसाला ज़ीरा है और सूखा धनिया है और बेसन है। तो आप ले वो देखिएगा कि मैं कैसे बना रही हूँ। सबसे पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, तो इसमें थोड़ी महक होती है फिश में, तो इससे महक ख़त्म हो जाती है। तो इसके बाद मैं ये मिर्ची और फिश मसाला ऐड कर दिया। इसके बाद इसको मैं अच्छी तरह से लगा रही हूँ, नमक भी। देखें ये मैं अच्छी तरह लगाऊंगी, हम ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, ये मसाला भी लगा के फ्राई कर सकते हैं फ्रेंड। तो ऐसे भी बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखें अब मैं इसी में बोल मसाला लगा रही हूँ, वो वाला है बेसन का, सूखा धनिया, इसको मैं अच्छी तरह पहले मिक्स करूँगी। देखिए फ्रेंड तो इसी में मैं आपको फ्रेंड ये लेमन डाल रही हूँ, देखिए लेमन का रस। मैंने लेमन का रस डाल दिया, अब मैं अच्छी तरह इसको मसाले को इसमें जज़ब कर रही हूँ। देखें ये हमारा मसाला कुछ ऐसे ही बनेगा। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने काफ़ी लगाया है, आप लोगों को मैंने पहले भी फिश बनानी सिखाई है कैसे बनाते हैं। तो ये मसाला लेमन डालकर और अदरक लहसुन का भी मसाला आप लगा सकते हैं फिश को। और मसाला बनाना भी मैंने आपको बताया था, घर पर ही तैयार किया है मसाला मैंने, उसमें फिश मसाला नहीं भी ऐड करें हम लोग को मसाला अच्छा बन जाता है। तो आप लोग देखते रहिए कि मैं कैसे मसाला बन रही हूँ। और हमारे गेस्ट आए हैं कुछ पंजाब से, तो उनके लिए मैं आजकल खाने बना रही हूँ। तो अभी मैं देसी मुर्गी भी बनाऊंगी, वो भी मैं आप लोगों को अपलोड करूंगी, आप लोग देखिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप तक फौरी पहुँच जाएगी। ये हम तीन चार पाँच घंटे रखेंगे इसको, ताकि इसके मसाला अच्छी तरह इसमें जज़ब हो जाए, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे और इसकी लुक देखना कितनी अच्छी आएगी। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें मैंने ऐड किया, आप लोगों को पूरा मसाला मैंने बताया, तो इससे महक भी अदरक लहसुन के पेस्ट से ख़त्म हो जाती है इसकी। मसाला अच्छी तरह हम कट जो लगाए होते हैं उसमें भरेंगे, और कोई भी गोश्त है हम उसमें अदरक लहसुन ज़्यादा डालते हैं तो उसकी महक ख़त्म हो जाती है। तो आज हमारी फिश ज़्यादा है उस दिन से, मसाला कैसे बन रही हूँ आप लोग देखते हैं। आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी कि मसाला कैसे बनाते हैं और कैसे लगाते हैं, आप लोग आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं।
ये अभी मैं फ्रिज में इसको रख दूँगी, डीप फ्रिज में रख दूँ, चाहे किसी में बर्फ़ वाले खाने में नहीं रखूँगी अभी। तो फ्रेंड देखिए हमारी फिश सारी का मसाला अच्छी तरह मैंने इसको लगा लिया, भर लिया मसाला सराखों में, जहाँ जहाँ हमने कट लगाए थे कट भर गए। तो फ्रेंड जी मसाला मैं अभी इसके ऊपर लगाऊँ दूँगी, तो जब फ्राई करूँगी तो ये मसाला जो रह जाएगा तो रह जाएगा, बाकी अच्छी तरह जज़्ब हो जाएगा। तो फ्रेंड आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती रहूँगी और मैं डेली रूटीन में जो भी खाना बनाती हूँ आप लोगों को अपलोड करती हूँ। डेली रूटीन में मैं क्या क्या करती हूँ मैं आप लोगों को पूरी एक्टिविटी का बताती हूँ। आज फ्रेंड मैं बाज़ार गई थी गोश्त लेने के लिए और कुछ सब्जियाँ लेने के लिए, तो एक लेडीज़ का रास्ते में बाइक के बीच बुरखा फंस गया था तो वो गिर गई थी रोड पर, बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई थी। उनका छोटा बेटा था उनके साथ ड्राइव जो कर रहा था मोटरसाइकिल पे, और मेरी गाड़ी को उन्होंने रोका, काफ़ी लोग थे कोई उनको हॉस्पिटल नहीं लेके गया था, फिर मैं उनको आशा हॉस्पिटल गुलशन अदीद में लेके गई। एक घंटा उनको उनके साथ में रही हॉस्पिटल में, और उनकी आँख के ऊपर भी काफ़ी गहरा ज़ख्म था, चोट आई, बहुत ज़्यादा खून निकला, नाक भी उनका फट गया था और उनके घुटने पर भी काफ़ी चोट आई थी, हड्डी अंदर से नज़र आ रही थी। मैं बहुत सैड हो गई, मुझे बहुत दुख हुआ और मैं एक घंटा उनके साथ ही रही। अभी वो हॉस्पिटल में है तो मेरे गेस्ट आए हैं, तो मैंने खाना बनाना था तो इसलिए मैं घर आ गई। तो मैंने कहा आपको मैं कॉल पर आपसे बात करूँगी, उन्होंने कहा हमारे घर भी आना, मैंने कहा इंशाल्लाह आप सही हो जाएं तो मैं आपका पता भी करती रहूँगी आप कैसी हैं। तो अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे, आप लोग भी उनके लिए दुआ करना कि वो खैर खैरियत से अपने घर जाए। फिर उनकी बेटी को मैंने अपने नंबर से उन्होंने सबको बुलवाया था, उनके बेटे के पास फ़ोन था लेकिन वो बहुत परेशान हो गया था तो बैलेंस भी नहीं था, फिर मेरे फ़ोन से उन्होंने कॉल वगैरह की, सब घर वाले आए तो देखभाल अब कर रहे हैं तो मैं घर आ गई। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे और आप लोग अपना ख्याल रखना, और जो भी मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फिश को मसाला कैसे लगाते हैं घर पर कैसे मसाला बनाते हैं मैंने सब आपको बताया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो देखा करें, और मुझे सब्सक्राइब जो देखते हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।